Welcome students, class 7, and today we are going to start our new chapter 11, perimeter and area. Perimeter क्या होता है? जो भी shape है हमारे पास, उसकी जो boundary होती है, उसकी जो length होती है, वो हमारा perimeter होता है. Like कोई भी frame है, photo frame है, उसके आसपास की जो frame लगी हुई होती है, उसकी जो length होती है, वो उसका perimeter होता है. And area किसी भी शेप के अंदर का जो एरिया होता है वो होता है एरिया या फिर क्षेत्रफल. ठीक है, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज राइट डाउन किए हैं और आपको ये लर्न करने हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × इन द ब्रैकेट एल प्लस बी मीन सेंस इन द लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, बिकॉज ऑफ स्क्वायर के जो 4 साइड्स होते हैं वो चारों ही साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, मल्टीप्लाई करना है आपको फिर इसमें. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड, एरिया ऑफ सर्कल π r² एरिया. नाउ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 π r. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ, दैट मीन्स कि एक लैंड है, उसका जो पीस है, दैट मीन्स कि कोई लैंड है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है. एंड 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड. यहाँ पे 500 मीटर क्या होगी लेंथ और 300 मीटर क्या होगी ब्रेथ. सो फाइंड करना है यहाँ पे इट्स एरिया, दैट मीन्स कि उस लैंड का एरिया फाइंड करना है. एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड, इफ़ 1 मीटर² ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000. यहाँ पे बोला है कि अगर उस लैंड की 1 मीटर² एरिया की कॉस्ट जो है वो ₹10,000 है, तो लैंड की कॉस्ट क्या हो जाएगी टोटल. नाउ सॉल्यूशन, गिवन दैट लेंथ दी हमें 500 मीटर, ब्रेथ 300 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एरिया फाइंड करना है. अब रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B. ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × 3 = 15 एंड जो रिमाइनिंग जीरोज है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. 4 जीरोज हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 1,15,000 m². सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 m² लैंड इक्वल 10,000 rupees, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 m² लैंड मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये जो कॉस्ट है वो आ जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. नाउ देखो, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. पार्क है कोई स्क्वायर शेप का है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है. बट एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइड. वाई, बिकॉज जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड × साइड, तो साइड हमें होनी चाहिए. नाउ हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. अब हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर की वैल्यू हमें दी हुई है कि जो स्क्वायर पार्क है उसकी पेरीमीटर कितनी, 320 मीटर. नाउ गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स 320 मीटर. अब यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड इक्वल 320 मीटर हो जाएगा. नाउ ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जब ये जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा. तो अब हम इसे डिवाइडेशन करेंगे और 4 × 8 = 32, साइड हमारी हो जाएगी 80 मीटर. अब हमारे पास साइड आ चुकी है. अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें रिक्वायर्ड थी साइड की, साइड × साइड. अब हमने साइड निकाल ली, साइड हमारे पास है 80 × 80 × 80, 8 × 8 = 64 एंड 2 रिमाइनिंग जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. 6400 m² जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वो इतना है. अब यहाँ पे आप देखो, जब भी हम एरिया निकालें तो उसके सामने हम m² यूनिट लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 cm. इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 30 cm, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है 130 cm. अब दिया है कि अगर जो ब्रेथ है, ठीक है, वो 30 cm है, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है. ऑल्सो आपको और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, नाउ गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 130 cm. अब हमारे पास ब्रेथ है,
लेंथ नहीं है तो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसमें स्क्वायर पार्क में पेरीमीटर दिया था और साइड फाइंड करी थी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ इक्वल 130 सेंटीमीटर। 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ हमारे पास है 30 इक्वल 130। 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, पॉन में आ जाएगा, 2 6 12 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस 30 इक्वल 65। अब 30 हमारे पास प्लस में है, दैट्स वाई अगर इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, 65 माइनस 30 एल इक्वल 35 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास अब लेंथ आ चुकी है। नाउ अब हमें ऑल्सो क्या फाइंड करना था, उसने बोला था कि फाइंड द लेंथ, तो हमने लेंथ तो फाइंड कर ली, बट ऑल्सो उसने बोला था कि आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी फाइंड करो। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। अब एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 35 और ब्रेथ है 30। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अ डोर ऑफ लेंथ, डोर दरवाजा उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल, एक वॉल में फिट करना है। देखो अब अगर रूम की बात करें तो अगर हम रूम देखते हैं तो उसके उस रूम में डोर होता है, विंडो होती है, तो यहाँ पे उस वॉल में एक वॉल में डोर फिट है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। अब जो लेंथ, अब वॉल की बात करें, दीवार उसकी जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, वाइट वॉशिंग करवाना है वॉल को, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर जो है वो उसकी रेट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे आपको 20 रुपीज़ देना होता है। तो हमें जितना भी उसका एरिया आता है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देने का है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। गिवन डोर ऑफ, डोर की लेंथ गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है 2 मीटर एंड 1 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, अब पहले तो हमें देखो अगर उस दीवार का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले उस दरवाजे का एरिया माइनस करना होगा, क्योंकि वाइट वॉशिंग उस डोर को तो नहीं करवाना है हमें, हमें करवाना है सिर्फ वॉल को। तो हमें उसमें से उसको माइनस करना होगा तब जाके हम वॉल का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर निकालेंगे इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। एल मल्टीप्लाई बी क्यों लगा रहे, बिकॉज रेक्टेंगुलर डोर है ना, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगेगा। एल है हमारे पास 2, बी है 1, तो ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। नाउ वॉल ऑफ, लेंथ क्या है वॉल की 4.5 मीटर, ब्रेथ है 3.6 मीटर। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग रेक्टेंगुलर डोर, अब हम किसका निकाल रहे हैं एरिया जिसमें वॉल इंक्लूडिंग है, मतलब वॉल भी जो डोर है वो भी उस वॉल के साथ में ही है अभी, उसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो हम लगाएंगे एल मल्टीप्लाई बी 4.5 मल्टीप्लाई 3.6, सो वी विल गेट प्रोडक्ट 16.2 मीटर स्क्वायर। अब ये कौन सा एरिया है जिसमें डोर भी इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन हमें किसका एरिया निकालना है जिसमें डोर इंक्लूड नहीं हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर इक्वल एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ डोर, जिसमें डोर इंक्लूड है उसका एरिया में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ डोर को, तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग डोर का एरिया आ जाएगा 16.2 माइनस 2 इक्वल 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डोर जो था ना उसका हमने एरिया माइनस कर दिया और हमारे पास जिसको वॉल वॉशिंग करवाना है उसका एरिया आ गया सिर्फ 4.2 मीटर स्क्वायर। सिंस द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल 20 रुपीज़, ठीक है, अब हमें जो वाइट वॉशिंग करवाना है उस वॉल को उसका प्राइस निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 20 रुपीज़। देयरफॉर द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द 14.2 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 14.2, वी विल गेट 284 रुपीज़। दैट मीन्स कि जो वाइट वॉशिंग का प्राइस लगेगा, हमें कॉस्ट देना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट वो हमारा हो जाएगा 284 रुपीज़। एंड नाउ हियर योर एक्सरसाइज 11.1 इज कम्प्लीटेड एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। नाउ एक्सरसाइज 11.2, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है पैरेललोग्राम्स, अब हमें इसका फाइंड करना है एरिया। ठीक है,
अब पैरेललोग्राम का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, होता है ना, रेक्टेंगुलर टाइप ही है कि उसकी लेंथ और ये सामने की लेंथ इक्वल होते हैं, ब्रेथ और ब्रेथ भी इक्वल होते हैं, एंड यहाँ पे इसके पास होती है हाइट और एक होता है डायगोनल, ठीक है, ये यहाँ पे होती है हाइट और ये जो होता है हमारा बेस होता है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो हमारे पास बेस की वैल्यू होनी चाहिए और हाइट की भी होनी चाहिए। नाउ गिवन हमारे पास बेस दिया है 7 सेंटीमीटर, ये बेस है, हाइट दिए 4 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूला में, बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास है 7, हाइट है 4, 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 20 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया फाइन हो गया। अब बी ऐसे ही पैरेललोग्राम है, एक और भी पैरेललोग्राम है, आपको ये सारे पैरेललोग्राम के एरिया आपको फाइन करने हैं, ठीक है, बुक से देखना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है बी इंटू एच, तो बेस हमारा है, देखो देखो क्या है, क्या दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, तो बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के एरियाज फाइंड करने हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला क्या होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट, उसी में मल्टीप्लाई करके 1/2 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल देखेंगे हम, ये हमारा ट्राइंगल है, गिवन है हमें बुक में भी क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो ये होती है हमारी हाइट और ये होता है बेस, ठीक है। सो गिवन बेस इक्वल 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2, बेस हमारे पास है 4, हाइट है हमारे पास 3। अब हम इनको कट करेंगे, 2 से 4 को कट करेंगे, 2 × 2 = 4, सो वी विल गेट 1 × 2 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ हमारे पास एक और ट्राइंगल है, उसी में हमारे पास यहाँ दिया, तो ये हमारा तो बेस हो जाएगा और ये जो है हमारी हाइट हो जाएगी। सो गिवन बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट 3.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 × b × h, 1/2 बी दैट मीन्स सेंस 5 सेंटीमीटर, एच इन द सेंस हाइट 3.2 सेंटीमीटर। अब ये कट ऑफ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, एंड वी विल गेट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू, क्यू एम, देखो डायग्राम भी दिया है आपको बुक में, नहीं दिया है तो हम बना लेंगे, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, क्यू एम इज द हाइट, पी क्यू एम जो है हाइट है क्यू से, ठीक है, टू एस आर पे जा रही है वो, एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, ठीक है। इफ एस आर इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इक्वल 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एरिया फाइंड करना है, एंड क्यू एन इफ पी एस इक्वल 8 सेंटीमीटर, क्यू एन फाइंड करना है अगर पी एस जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाओ देखो अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, फिर क्या था, क्यू एम, क्यू एम था इज द हाइट, इज द क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू, क्यू से जा रही है किस पे, क्यू टू एस आर, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, देखना क्वेश्चन में लाइन, तो ये बन गया। फिर दिया था क्यू एन, क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू यहाँ से टू पी एस, पी एस पे जा रही है, ठीक है। अब एस आर की वैल्यू दी हुई थी, एस आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्यू एम की वैल्यू भी दी हुई 7.6 सेंटीमीटर, एंड पी एस यहाँ पे दिया है, पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बी मल्टीप्लाई एच, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, सारी वैल्यू यहाँ हमने राइट डाउन करी, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच। अब हमारे पास इस डायग्राम में 2 हाइट है और 2 बेस है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो अगर हम फाइंड करेंगे वो हम करेंगे ये वाला, Q
एम वाली हाइट लेंगे हम पहले, ठीक है, बी इंटू एच, बेस हमने लिया 12 सेंटीमीटर, अगर हम बेस 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो जो उस पर हाइट बन रही है इस 12 सेंटीमीटर वाले पे वो है 7.6 सेंटीमीटर वाले। देखो ये बेस है, इस पर हाइट कौन सी बन रही है, ये वाली, तो हमें इसकी जो हाइट है वो भी कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.6 सेंटीमीटर एंड नाउ मल्टीप्लाई आफ्टर वी विल गेट प्रोडक्ट 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन हमें दूसरा फार्मूला पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है 91.2, अब हमारे पास क्या नहीं है, क्यू एन नहीं, ये वाली क्यू एन वाली जो हाइट है ना वो नहीं है हमारे पास, हमारे पास पी एस, पी एस हमारे पास गिवन है, बेस है हमारा पी एस 8, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा इक्वल क्यू एन, क्यू एन इक्वल 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये हमने हाइट फाइंड करी है इसलिए हम इसको एन ही लगाएंगे, इसमें एरिया होता तो हम लगाते सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या फाइंड करना था, क्यू एन भी फाइंड करना था, तो हमने क्यू एन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हुई क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड है वो ए पे, ए डी इज परपेंडिकुलर एट बी सी, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, इफ ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। नाउ ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड राइट एंगल एट ए, फिर हमें दिया है परपेंडिकुलर जो है ए डी वो बी सी पे है, देखो ये आपका बी सी और यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर, ये डी लिखा है, एंड इफ ए बी, ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया फाइंड करना है। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, राइट, बेस है हमारे पास ए बी, बेस क्या लिया हमने, ए बी लिया एंड जो हाइट ली हमने वो ली ए सी, ठीक है, 1/2 ए बी हमारा बेस लिया तो 5 सेंटीमीटर रहेगा, ए सी 12, ना हम इनको सॉल्व 2 6 12, 6 5 30 सेंटीमीटर, ये कट हो जाएंगे यहाँ से एक दूसरे से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 30 सेंटीमीटर, अब हमने बेस लिया है बी सी, राइट, अब हाइट क्या हो जाएगी, अगर बेस हमारा बी सी है तो हाइट हमारी हो जाती है ए डी, ठीक है, बी सी है, ए डी नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई ए डी, नाउ ये तो डिवाइडेशन में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइडेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2/13 इक्वल ए डी, ए डी इक्वल 30, 2 60, 60/30 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 60/30 सेंटीमीटर, तो जो हमारी हाइट लेंथ थी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, वो हमारे पास फाइंड हो चुकी है। एंड नाउ ये जो एक्सरसाइज 11.2 इज कम्प्लीटेड, एंड ये सारा आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आपको एक से दो बार इसको देखना है। थैंक यू।